नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू ईलर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबनों हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी मित्रों तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो सौथी पहला अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, जेथी अमारा आवनार वीडियो यूट्यूब पर सौथी पहेला तमने जोवा मळे। आजना वीडियो में विद्यार्थी मित्रों न्यू एनसीईआरटी बुक धोरण 6 विज्ञान प्रकरण नंबर 12 विद्युत तथा परिबद्ध एना अहीं आपणे एमसीक्यू जोवाना छे। जे विद्यार्थी मित्रों टेट नी परीक्षा की तैयारी करता हो के कोई पण स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करता हो तेमज प्रथम सत्रनी परीक्षा की तैयारी करता हो ए विद्यार्थी माटे आ एमसीक्यू प्रश्न बहु उपयोगी छे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों आपणे एनी शुरुआत करिए। सौथी पहेलो प्रश्न छे के नीचे आपेला विधानों पर विचार करो। विधान एक विद्युत कोष तेमा संग्रहित रासायनिक पदार्थमांथी वीजळी उत्पन्न करे छे। विधान बे विद्युत कोष में एक छेड़ो धन ध्रुव और बीजो छेड़ो ऋण ध्रुव तरीके वर्ते छे। विधान त्रण विद्युत स्विच नो उपयोग विद्युत प्रवाह रोकवा के पसार करवा माटे थाय छे। तो उपरोक्त विधान में कयो विधान साचुं छे? ए मात्र एक अने बे, बी मात्र बे, सी मात्र त्रण, या डी एक बे अने त्रण। तो आमां तमारो जवाब आवशे डी एक बे अने त्रण। बीजो प्रश्न, नीचे आपेला पदार्थोमांथी कया पदार्थ विद्युत वाहक छे? ए थर्मोकोल, बी रबर, सी पेन्सिलनी अणी, या डी प्लास्टिक। तो तमारो जवाब आवशे सी पेन्सिलनी अणी। तो त्रीजो प्रश्न छे, नीचे आपेला विधानों पैकी कयो विधान खोटू छे? ए विद्युत प्रवाह धातुमांथी पसार थई शके छे, बी विद्युत प्रवाह थर्मोकोलनी सीटमांथी पसार थई शके छे, सी विद्युत परिपथ बनावा माटे धातुना तार वपराय छे, या डी विद्युत कोष ए विद्युतनो एक स्रोत छे। तो अहीं तमारो जवाब आवशे बी विद्युत प्रवाह थर्मोकोलनी सीटमांथी पसार थई शके छे। चौथो प्रश्न, नीचे पैकी बल्बमां शुं होय छे? ए फिलामेंट, बी स्विच, सी सॉकेट, या डी सेफ्टी पिन। तो तमारो जवाब आवशे ए फिलामेंट। पांचमो प्रश्न, नीचेना पैकी विद्युत ऊर्जा वपरातुं साधन क्यूँ छे? ए स्टोव, बी सूर्य कूकर, सी ट्यूबलाइट, या डी जनरेटर। तो तमारो जवाब आवशे सी ट्यूबलाइट। छठो प्रश्न, विद्युत कोष कई ऊर्जा में रूपांतर करे छे? ए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, या डी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। तो तमारो जवाब आवशे ए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करे छे। सातमो प्रश्न, कयो पदार्थ विद्युत अवाहक नहीं? ए लोखंड, बी चामड़ू, सी ऊन, या डी लाकड़ू। तो तमारो जवाब आवशे ए लोखंड। नीचेना पैकी विद्युत ऊर्जा आपतुं साधन क्यूँ छे? तो ए स्टोव, बी सूर्य कूकर, सी ट्यूबलाइट, डी सेल एटले के विद्युत कोष। तो तमारो जवाब आवशे डी सेल विद्युत कोष, डी ऑप्शन आवशे। नवमो प्रश्न, नीचे आपेला विधान ए अने बी माटे कयो विकल्प साचो छे? तो विधान ए बंद विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाहनुं वहन थतुं नथी, बी खुला विधान परिपथमां बल्ब प्रकाशित थतुं नथी। तो अहीं ए मात्र विधान ए, मात्र विधान बी, विधान ए अने बी सीमा, बी ए अने बी बन्नेमांथी एक पण नहीं। तो तमारो जवाब आवशे बी मात्र विधान बी। अहीं बाजुमां जे चित्र आपेलुं छे आपेल आकृतिमां शुं कही शकाय ए तमारे मने कहेवानुं छे? तो बंद परिपथ विद्युत परिपथ ए, बी बल्ब प्रकाशित थशे, सी खुल्लो विद्युत परिपथ, या डी कहीं पण कहेवू शक्य नथी। तो तमारो जवाब आवे छे सी खुल्लो विद्युत परिपथ। अग्यारमो प्रश्न, कोईपण विद्युत परिपथमां विद्युत प्रवाहनी दिशा कई होय छे? तो ए ऋण ध्रुवमांथी धन ध्रुव तरफ, बी धन ध्रुवमांथी ऋण ध्रुव तरफ, सी ए અને બી બંને, યા ડી એક પણ નહીં। તો તમારો જવાબ આવશે બી ધન ધ્રુવથી ઋણ ધ્રુવ તરફ। બારમો પ્રશ્ન, કોઈ વસ્તુ સાથે વાહક ટેસ્ટરનો ઉપયોગ કરીને એ જોવામાં આવ્યું કે બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે, તો આ પદાર્થ માટે શું કહી શકાય? તો એ આપેલ પદાર્થ વિદ્યુત અવાહક છે, બી આપેલ પદાર્થમાંથી વિદ્યુત પસાર થઈ શકતી નથી, સી આપેલ પદાર્થ વિદ્યુત સુવાહક છે, યા ડી આપેલ પદાર્થ વિદ્યુત સુવાહક નથી। તો તમારો જવાબ આવે છે સી આપેલ પદાર્થ વિદ્યુત સુવાહક છે। તેરમો પ્રશ્ન, શાની મદદથી વિદ્યુત પરિપથને ખુલ્લો પરિપથ કે બંધ પરિપથ બનાવી શકાય છે? તો એ પેન, બી સ્વિચ, સી સેલ, યા ડી બલ્બ। તો તમારો જવાબ આવે બી સ્વિચ। ચૌદમો પ્રશ્ન, જ્યારે વિદ્યુત પરિપથ પૂર્ણ થતું નથી ત્યારે તેને નીચે પૈકી શું કહી શકાય? એ સ્વિચ ઓન, બી સ્વિચ ઓફ, યા સી બંધ પરિપથ, યા ડી એક પણ નહીં। તો તમારો જવાબ આવે બી સ્વિચ ઓફ। પંદરમો પ્રશ્ન, નીચેના પૈકી વિદ્યુત અવાહક શું છે? એ માનવ શરીર, બી વાયુ, સી પાણી, યા ડી આપેલ તમામ। તો તમારો જવાબ આવે બી વાયુ। બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આપણા આ
12મા પાઠનું જે MCQનો પ્રશ્ન અહીંયા પ્રપૂર્ણ થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડિયો તમને કેવો લાગ્યો? જો સારો લાગ્યો તો લાઇક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। બીજા મિત્રોને આ વિડિયો અચૂક શેર કરજો જેથી કરીને એમને પરીક્ષામાં આ વિડિયો ઉપયોગી સાબિત થાય। તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બેસ્ટ ઓફ લક।